हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर ट्यूटोरियल। आज मैं बताऊंगा कि फ्लेयर स्कोप इफेक्ट कैसे बनाते हैं। पहले मैं अपनी क्लिप्स दिखा देता हूं। सबसे पहला काम क्या करना है कि जिस पोर्शन में स्कोप ओपन हो रहा है उसको कट कर लेना है। फिर उसके बाद क्या करना है, स्कोप के ऊपर एक मास्क बनाना है, सर्कुलर मास्क। और उस मास्क की प्रॉपर्टीज में एक मास्क पाथ करके ऑप्शन मिलेगा, उसके एनिमेशन बटन को ऑन कर देना है। हर फ्रेम के लिए उसकी पोजीशन एंड स्केल को चेंज करना है। अब इस पार्टिकल रिंग वाली क्लिप को अपनी कॉम्पोजिशन में डालना है। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से डाउनलोड कर सकते हो। फिर इस क्लिप को उतना कट करना है जितनी तुम्हारी स्कोप वाली क्लिप थी। फिर जो ये रिंग वाली क्लिप है, इस पे राइट क्लिक करके यहाँ पे ब्लेंडिंग मोड नाम का ऑप्शन आएगा, उसमें इसको इसके ब्लेंडिंग मोड को लाइटन पे कर देना है। अब इस पार्टिकल रिंग वाली क्लिप के स्केल प्रॉपर्टीज और पोजीशन प्रॉपर्टीज में जाके एनिमेशन बटन ऑन करना है। अब इसके स्केल एंड पोजीशन को जैसे मास्क सेट किया था स्कोप के ऊपर, वैसे ही इसको भी एनिमेट करना है। और अब जो रिंग वाली लेयर है उसको पेरेंट करना है स्कोप वाली लेयर के साथ। अब क्या करना है, इफेक्ट एंड प्रीसेट वाले पैनल में एक इफेक्ट होगा यू एंड सैचुरेशन, उसको पार्टिकल वाले लेयर पे डालना है और उसके यू को एनिमेट करना है। स्टार्टिंग पे जो वैल्यू होगी यू की वो 0 और क्लिप की एंडिंग में जो वैल्यू होगी वो 1 होगी। फिर स्कोप वाली लेयर के स्केल प्रॉपर्टीज में जाके उसको भी एनिमेट करना है। अब एक नई एडजस्टमेंट लेयर बनानी है और उस पर ग्लो इफेक्ट डालना है। फिर ग्लो की सेटिंग्स में ग्लो रेडियस की वैल्यू को 200 करना है और ग्लो थ्रेशोल्ड को एनिमेट करना है। सो हे गाइस, दिस इज़ डीवी। सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा इनसेन भाई का, जो उन्होंने अपनी वीडियो में मुझे फीचर किया। तो ये कोलैब वीडियो है, ओके। तो इस वीडियो में आप सभी लोगों को बताने वाला हूँ कि स्कोप ओपन फ्लेयर इफेक्ट जो रहता है ना, मास्किंग करके डालते ऐड करते हैं, उसे हम एंड्रॉयड में कैसे कर सकते हैं। ओके,
प्रीव्यू आप सभी ने देख ही दिया होगा, तो बस जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें काइन मास्टर में आ जाना है और फिर इसमें एक 16:9 के रेशियो का प्रोजेक्ट बना लेना है। और इधर पर अपनी अपना एक क्विक स्कोप वाला मॉन्टेज को अपना मतलब क्विक स्कोप वाला वो शॉट ऐड कर लेना है। और फिर इसके बाद हमें इधर पर थोड़ा सा इसे आगे को स्लाइड करना है और जिस जगह पर आपका स्कोप फुली पूरा ओपन हो जाता है उस जगह पर वीडियो को आपको इधर पर आ जाना है। और फिर वीडियो को इधर से सीजर आइकन से आपको स्प्लिट कर देना है। स्प्लिट करने के बाद अब आपको थोड़ा सा आगे बढ़ते आना बढ़ते आना बढ़ते आना है। और फिर जिस जगह पर भी इस तरह से आपका स्कोप थोड़ा ऊपर उठता है ना, फ्लैश चमकता है, तो स्कोप के जस्ट उठने के जस्ट पहले, ये ऊपर जाने के जस्ट पहले इधर पर इसे सीजर आइकन से स्प्लिट कर देंगे। तो अब ये जो छोटी सी एक बन गई ना क्लिप, तो अब इस क्लिप का अब आपका आपके ऊपर आपका शॉट कितना बढ़ कितना मतलब कितने स्पीड से आएगा। तो फिर अब आपको लेकिन इसकी एक मैं परफेक्ट ड्यूरेशन बताऊंगा आपको। इसका ड्यूरेशन 1.5 से लेके 1.5 से लेकर 2 सेकंड्स के मिडिल में रखना है, ना इससे ज़्यादा ना इससे कम, इतनी रेंज में रखना है तभी आपका ये अच्छा लगेगा, ठीक है। तो ये हमने इतना ले लिया है और अब आपको इस लेयर को डुप्लीकेट इस लेयर कर देना है इस वाली क्लिप को। अब इसके बाद आपको क्रॉपिंग पे जाना है, क्रॉपिंग पे जाके मास्क ऑन कर देना है, शेप में मास्क ऑन कर दिया और फिर शेप में जाके सर्कल पे क्लिक सर्कल चूज़ करके इसको बिल्कुल छोटा कर लीजिए। अब इसको इस तरह से क्रॉप करिए जैसे कि मैं कर रहा हूँ वैसे ही सेम टू सेम इस तरह से करिएगा। हाँ देखिए ये और ये हो गया। और अब इसके बाद आपको फिर से उसी क्रॉपिंग वाले में फेदर को 50 कर देना है। और फिर इसके बाद अब आपको इसको ऐसे ही रहने दीजिए। इसको अभी रुकिए, आपको की एनिमेशन पे क्लिक करके आपको स्टार्टिंग में ही इसको बड़ा करके बिल्कुल मैच करना है स्कोप के साथ। हाँ ऐसा। अब इसे मैच करने के बाद अब आपको थोड़ा सा आगे चलना है कुछ फ्रेम्स आगे, इतना सही है। इधर पर आपको एक मार्क लगा के ऊपर एक मार्क लगा दीजिए और इधर पर एक की फ्रेम ऐड करके इसको बड़ा कर दीजिए, इतना बड़ा सही रहेगा, ठीक है। इतना बड़ा करके अब आपको बिल्कुल लास्ट में एक लास्ट की फ्रेम ऐड करना है उधर, उससे उधर पर बिल्कुल छोटा कर दीजिए, ओके। अब आपको एक लास्ट चीज़ करनी है, एक चीज़ और करनी, दो चीज़ें करनी है बस। और अब इधर पर आपको लेयर में जाके बैकग्राउंड सेलेक्ट करना है ब्लैक। अब इसे पूरा भर देना है ब्लैक बैकग्राउंड को और अब इसे इतना काट दीजिए सीजर पे जाके ट्रिम टू राइट अप लेयर इतने में। अब इसे 3 डॉट्स पे क्लिक करके सेंड टू बैक। हाँ अब आपका ये देखिए कुछ इस तरह का दिखेगा। अब हम आगे बढ़ते हैं फ्लेयर इफेक्ट। अब इसमें फ्लेयर कैसे ऐड करनी है, तो फ्लेयर ऐड करने के लिए हमें आना पड़ेगा अलाइट मोशन में। हाँ तो अब आपको अपने अलाइट मोशन में आ जाना है। अलाइट मोशन में आपको 1080p 60fps का प्रोजेक्ट बना के उसे कुछ भी नेम दे दो, जैसे मैंने पहले आई फ्लेयर कर दिया इसको नेम। फिर क्रिएट प्रोजेक्ट पे क्लिक कर देना है। अब आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगी तो फिर उधर से आपको यूट्यूब पर की वीडियो है तो उस वाली वीडियो को आपको डाउनलोड कर लेना है। वो मैंने डाउनलोड कर ली, 8 सेकेंड की वीडियो है जो कुछ इसका। तो अब इसमें डिफरेंट कलर करने हैं इसमें, तो वो करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले तो इसे थोड़ा सा आगे बढ़ाइए, फिर इसे ट्रिम कर दीजिए, इसको हमें बना दो। इस वीडियो को आप ट्रिम करके 2 सेकंड्स की कर लीजिए, 2 सेकंड्स वर्क बहुत है। अब इसकी आप स्पीड भी बढ़ा सकते हैं, ठीक है, काइन मास्टर पर जाके स्पीड बढ़ा सकते हैं या फिर इसकी 30 स्पीड रह दीजिए, इस तरह का लगेगा। अब इसमें एक अफेक्ट ऐड करेंगे हम, आ गया एड इफेक्ट, वो हमें मिलेगा कलर एंड लाइट में। इसका नाम है यू शिफ्ट, ये वाला इफेक्ट, ये कलर। तो हम इस पर क्लिक करेंगे और अब इधर पर हम की फ्रेम सेट करेंगे, एक की फ्रेम इधर। अब थोड़ा सा आगे चल के देखते जाइए, जिधर जिधर मैं कर रहा हूँ उधर उधर पे आपको की फ्रेम सेट करनी है, एक इधर और इस वाली की फ्रेम पे आपको यू को इनक्रीज़ करके इतना ये इतना कर देना है, 120 डिग्री कर देना है, ये 120 इधर पर देख लीजिए वैल्यू। अब फिर आपको और आगे चलना है,
फिर आपको इधर पर एक और की फ्रेम ऐड करनी है, इधर पे आपको इसकी 240 कर देना है, ठीक है, 240 240 डिग्री। आपको थोड़ा और आगे चल के, हाँ थोड़ा और आगे चल के एक की फ्रेम और ऐड करूँ, इधर पे आपको इसे थोड़ा पर्पल टाइप का कलर मिल जाएगा, हाँ इधर सही है, ओके। आपको लास्ट में एक लास्ट की फ्रेम ऐड करना है, उसे आप इनक्रीज करके ब्लू कर दीजिए, ठीक है। अब आप इसको आप एक्सपोर्ट कर लो, सिंपल था, हाल एक्सपोर्ट हो जाएगा। हाँ तो उस वाले को आपको एक्सपोर्ट करके वापस अपने काइन मास्टर में आ जाना है और उसी वाले प्रोजेक्ट को खोल देना है। उस वाले प्रोजेक्ट में अब आपको ये जो हमने वीएल वीडियो जो उसमें अलाइड मोशन है बनाई, उस वाली वीडियो को लेयर में आपको लाके ऐड करना है, ये हाँ ये अलाइड मोशन में ये वाली, ठीक है। और अब आपको इसमें आके नीचे ब्लेंडिंग का ऑप्शन मिलेगा, तो ब्लेंडिंग को आप लाइटन कर दीजिए। लाइटन करने के बाद अब आपको इसी को सिलेक्ट करके आपको की एनिमेशन ऐड करना है, और अब इसको बिल्कुल इसके साथ मिला देना है, स्कोप के संग बिल्कुल मैच कर देना है, इतना स्कोप है उतना ही, और इसको बिल्कुल अलाइन कर देना है सेंटर में। अब हमने जो ऊपर बुकमार्क ऐड करा था, इस बुकमार्क में आके हमें एक और की फ्रेम ऐड करनी है, और उसमें हमें इसको इंक्रीज कर देना, बिल्कुल स्कोप के साथ मैच कर देना है, ठीक है। अब इसे हमने स्कोप के साथ मैच कर दिया, बिल्कुल आखिरी में आके, आखिरी में देखिए इस जगह पर हमें लास्ट में की फ्रेम ऐड करनी है, और इसको हमें बिल्कुल स्मॉल कर देना है, इसको हमने जो बिल्कुल स्मॉल कर दिया है। हाँ तो हमें बिल्कुल इसको बिल्कुल इधर पर बिल्कुल स्मॉल करके सेंटर के साथ अलाइन कर देना है, और ठीक है आप सेंटर के साथ इसे अलाइन कर देने के बाद अब देखिए प्ले करके इसे इतना अच्छा लग रहा है ये, ठीक है। अब ये ऐसा तो हो गया, अब आपको क्या करना है, इधर पर इस जगह पर इधर से आपको की एनिमेशन सेट करनी है, पहला एनिमेशन इधर, तो अब आपको रोटेशन ऐड करनी है इसमें, तो आप पहले इसे इतना घुमा दो, फिर थोड़ा और आगे करेंगे, फिर से प्लस, और फिर इसे इतना घुमा दो, फिर उसके बाद इसे फिर से थोड़ा सा आगे करके आपको इसे फिर से ऐसे राइट में घुमा देना है। अब आपको फिर से इसे थोड़ा आगे करके लेफ्ट में कर देना है, और फिर उसके बाद आपको फाइनल में इसको इतना ले जाना है, और देखिए अब आपको फिर रोटेशन भी ऐड हो गया, ठीक है। अब आपको ठीक है, और अब आपको इस वाले प्रोजेक्ट को एक्सपोर्ट कर लेना है। सो अब आप लोगों को अलाइट मोशन में आ जाना है, और फिर से इधर पर 1080p 60fps का प्रोजेक्ट बनाना है, और अपनी वो जो काइन मास्टर वाली एक्सपोर्टेड वीडियो थी उसको इधर पर एक्सपोर्ट कर लेना है, अरे एक्सपोर्ट नहीं सॉरी इम्पोर्ट कर लेना है, ठीक है। तो जी मैंने अपनी वीडियो को अपना इम्पोर्ट कर लिया, अब इसे इम्पोर्ट करने के बाद इसमें हमें अफेक्ट डालना है वो एक्सपोजर इन कामा वाला, तो अब हम एड अफेक्ट्स में जाएंगे, तो ये क्लिप को सिलेक्ट करेंगे, और अब एड अफेक्ट्स करेंगे, इधर पे हम लोगों को एक अफेक्ट ऐड करना है जिसका नाम है एक्सपोजर इन गामा, वो आपको कलर एंड लाइट के सेक्शन में मिल जाएगा, यह रहा। और फिर इधर पर अब आपको देखना है एक्सपोजर को सिलेक्ट करके की फ्रेम सेट करने हैं, जैसे पहले तो ऐसे ही कहीं पर भी रेंडमली की फ्रेम्स को आप ऐड कर लीजिए, एक इधर और एक इधर, ये तीन की फ्रेम्स हमने ऐड कर ली। अब ये जो मिडिल वाली की फ्रेम है इधर पर आपको एक्सपोजर को फुल कर देना है। अब आप लोगों को क्या करना है, गामा उतना ही रहने दीजिए, ऑफसेट से आपको बिल्कुल कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है, एक्सपोजर को फुल कर देना है। अब आपको जो पीछे वाली की फ्रेम थी उसे मिडिल वाली की फ्रेम के बिल्कुल बिल्कुल ज़रा बगल में बिल्कुल ही बगल में ले आना है, और जो दूर वाली की फ्रेम थी ना ये देखिए ये बिल्कुल बगल में ले आए, और अब ये जो दूर वाली की फ्रेम थी उसे दूर ही रहने देना है, मतलब अपने हिसाब से देख लेना कहाँ पर आपको, जब आपके ऊपर रहेगा आपको अपने हिसाब से देखना पड़ेगा,
आपकी क्लिप में कहाँ पर आपको कैसा क्या अच्छा लगेगा। ओके इसमें मेरे में ऐसा लग रहा है, तो अब आप प्ले करके देखिए, तो इसमें जो एक्सपोजर वाला इफेक्ट भी आ गया, तो अब आपका पूरा काम ख़त्म हो चुका है। की फ्रेम्स को अब आपको अपने हिसाब से एडजस्ट करना है, आगे पीछे जैसा भी आपको करना हो, और फिर स्केच ये आपका हो गया, और अब आप वीडियो को एक्सपोर्ट कर लीजिए और आपका इफेक्ट पूरा ऐड हो चुका है।